हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। माजरा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीजेपी नेता और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व मेंबर डॉक्टर हर्ष भारद्वाज पर गुस्से में आकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इसी विवाद के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल के खिलाफ प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय ने भी मोर्चा खोल दिया है। बरवाला में रविवार को राज्य स्तरीय पंचायत कर ब्राह्मण समुदाय ने सीएम मनोहर लाल को गर्दन काटने वाले वीडियो मामले में 18 सितंबर तक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही समुदाय की पंचायत ने ऐलान किया है कि अब भविष्य में जो भी परशुराम के फरसे को स्मृति चिन्ह के रूप में ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को देगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि जिस दौरान यह पंचायत हुई उस वक्त डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज पंचायत में उपस्थित नहीं थे। हरियाणा के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम दीक्षित ने कहा कि सीएम ने यात्रा के दौरान कितनी चांदी की गदा और मुकुट ले लिए, लेकिन हमारे मुकुट के वक्त भाषा बदल गई। सीएम को अगर मुकुट के बारे में कोई गिला शिकवा था तो किसी अन्य तरीके से भी बात हो सकती थी। आज जो बरवाड़ा ब्राह्मण धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, सभी भाइयों के सुझाव आए, सभी भाइयों की बात हुई, सभी ने एक बात का समर्थन किया कि भाई 18 तारीख तक सीएम को समय दो कि वो मीडिया के माध्यम से या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं भी ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे कि भाई मेरे से गलती हुई है, और यदि नहीं माफ़ी मांगता कि 22 तारीख को फिर एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी कुरुक्षेत्र के अंदर जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सभी हरियाणा से सभी ब्राह्मण सभाओं को बुलाया जाएगा। आज भी बहुत सारी सभाएं आई हैं, हमारे भिवानी से आए हैं, हमारे करनाल से आए हैं, हमारे बरवाड़ा जी बरवाड़ा से तो है ही, हिसार से तो है ही, जिन्होंने प्रोग्राम कराया, जींद से ब्राह्मण उसके लिए नहीं रखी गई। ब्राह्मण हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा है, ब्राह्मण का व्यक्ति था वो, इसलिए हमने ज्यादा दुखाया, लेकिन अन्यथा ब्राह्मण तो कहीं भी कोई अत्याचार हो, कोई ऐसी बात हो तो ब्राह्मण तो लड़ता है इन बातों के लिए। चलो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के नाते उसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था? हमने बुलाया भी नहीं उसको, उसका मैटर ही नहीं था, ये समाज का मैटर था, उसका उसका व्यक्तिगत मामला है, वो पार्टी का आदमी है, उनसे मिला, वो हमारी पंचायत में क्या करता के, वो तो उनकी बात करता, हमने जो निर्णय लेना है वो हम तो ये कहेंगे कि उस 36 बिरादरी को बुलाएंगे हम उस दिन, क्योंकि ये कल्ला ब्राह्मण का मैटर नहीं है। 36 बिरादरी ने बुरा माना इस बात का, भाई मुख्यमंत्री जी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मोदी और शाह से भी मुलाकात, लेकिन उसके लिए उस दिन उस कमेटी बनाई जाएगी रविवार को, और यदि ये मैटर खत्म कर देते हैं मुख्यमंत्री जी माफी मांग के तो ये मैटर खत्म हो जाएगा, यदि वो नहीं माफी मांगते तो फिर शाह से भी मिलेंगे, भाई भी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, जहाँ भी बड़े बड़े नेता हम सबको मिलेंगे और धरने प्रदर्शन भी करेंगे और उसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई करेंगे। देखो बात ऐसे है, यदि मुख्यमंत्री आके टेलीविजन पे कहता है भाई ब्राह्मण समाज के लोगों हम आपका मान सम्मान करेंगे, आपको टिकटें भी देंगे और भाई ये जो गलती करी है इससे इसकी माफी मांगते हैं, तो ब्राह्मण समाज फिर उसके साथ लगेगा। यदि ब्राह्मण समाज से ऐसी बात नहीं करेगा तो भाई उसके विरोध जाएंगे। एक मिनट में